सुन। अगर देना है तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी, ये देख कितनी 3.5 कदम। राजा को जब मालूम पड़ी जैसे खोपड़े पे पम फट पड़ा हो। राजा बोले क्या कह रहे हो महाराज, तुम हमें ऐसो बैसो समझ रहे हो? गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग लियो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शरम आई रही है। भगवान बोले इतरा तो बहुत है, और हमें जो तेरे इतरा वो कतई नहीं को ना लगे। हम जो तुम मांग रहे ना उतनो दे दे, और जब बाकी जगह बचेगी हम खुद और ले ली और मांग ली। बोले नहीं महाराज, कुछ और मांगो, बताओ कहां की जमीन नाम करवा दे। अरे भगवान बोले रुक जा भाई, ठहर जा। बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम तो इतने छोटे बाबन अंगुल के हो, हम अपने पेरेंट्स से नापे दे। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। नापो। बोले ऐसे नहीं, फिर अब क्या रहेगा? बोले संकल्प करो। संकल्प की बारी आई, उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, और जो भगवान को बैठो देखो, भगवान ने जरा सा मुस्करा दिया, शुक्राचार्य आग बबूला हो गए, और जवाब दो तुमने हमारे चेले उन्हें छोड़ो, यूं आए गए। बोले राजा बलि, हाँ गुरुदेव, इन्हें कछु दे तो ना दो जो जी बैठे। बोले अबे तो कछु ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले ना इसे कुछ मत देना, जो तू समझे बैठा है ये वो नहीं है। फिर सुन ले राजा ये कौन है, इनको मत दे। कुछ मत देना, समझायो। तो बोले हैं राजा बलि, हे नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं।